प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं टोंक विधायक सचिन पायलट अपने टोंक के दौरे पर रहे, जहां अमीनपुरा से छानबा सूर्या बनास नदी पर वेंटेड कॉजवे निर्माण कार्य के शिलान्यास सहित लगभग 43 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। पायलट ने ग्राम बालापुरा तथा बाहेड़ा में गत दिनों आकाशीय बिजली गिरने से मारे गए लोगों के परिजनों से मिलकर उन्हें ढाढ़स बंधाया। इस दौरान पायलट ने केंद्र सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि कालाधन वापस लाने, महंगाई मिटाने और बेरोजगारी दूर करने का वादा कर सत्ता में आने वाली भाजपा सरकार के सभी वादे झूठे निकले। भाजपा के राज में महंगाई आसमान छू रही है, आम आदमी को ना तो कोई मदद मिल रही है और ना ही कोई मदद। पायलट ने कहा कि किसान विरोधी केंद्र सरकार 3 काले कृषि कानून लेकर आई, जिसे किसानों के लंबे संघर्ष के बाद सरकार को वापस लेना पड़ा। किसानों की फसल पर मिलने वाला बोनस बंद कर दिया गया, समर्थन मूल्य पर फसल की खरीद नहीं हो रही है। भाजपा के राज में किसान पूरी तरह से निराश हो चुका है। भाजपा सरकार अब अग्निपथ योजना लेकर आई है। उन्होंने कहा कि सालों से सेना में भर्ती होने का इंतजार कर रहे युवाओं के सपनों पर अग्निपथ योजना ने कुठाराघात किया है। अब सेना में भर्ती होने वाले नौजवान 4 साल में सेना से बाहर कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सत्ता के घमंड में चूर भाजपा सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई जैसी सरकारी संस्थाओं के माध्यम से विपक्ष के नेताओं की आवाज को दबाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र हमारी पूंजी है और इसे हम संभाल कर रखना है और मजबूत बनाना है।